की बात की और स्किल्स के डिस्कशन में दो बातें महत्वपूर्ण बताई थी। एक तो ये कि हर स्किल का पर्पस डिफरेंट है और दूसरा हमारे पास दो तरह के टीचिंग स्किल्स, दो तरह के इन द सेंस कि कुछ को हम लिख के इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चरिंग क्लास में क्वेश्चन, उसमें हमको पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और तब स्किल कंपोनेंट में डालना पड़ेगा कि वेदर दिस इज ए लोअर ऑर्डर क्वेश्चन और हायर ऑर्डर क्वेश्चन। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें हमको लिखना नहीं है, इसमें हमको एक्शन, और उसी तरह का एक टीचिंग स्किल है स्किल ऑफ स्कूलर्स वैल्यूएशन, जिसकी चर्चा अभी हमने नहीं की है, बाद में करेंगे, और एक स्किल जिसको आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासरूम क्वेश्चंस। सो द एक्शन पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ टू डिलीवर द क्वेश्चन यू हैव टू टेक केयर, प्रश्न को कैसे पूछें से संबंधित एक टीचिंग स्किल है और दूसरा प्रश्न को कैसे बांटें। सो डिलीवरी ऑफ द क्वेश्चन इज वन टीचिंग स्किल and distribution of classroom question is the another teaching skill. Today we shall discuss about delivery and distribution of classroom questions, and there is only 2-3 slides in the lecture because delivery had few skill component and distribution had also very few teaching skills. Discussion and its implication is more important, as I have just told the action part is more focused in this teaching skill. Even if we plan a micro plan to practice delivery and distribution as a teaching skill, we have to mention the action part in order to mention the skill component. पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि वो एक्शन लिखना पड़ेगा और एक्शन लिखने के बाद फिर हमको वो किस स्किल कंपोनेंट से रिलेटेड है उस स्किल कंपोनेंट का हम नाम लिखें। तुमने बताया कि दो तरह के जो हमारे पास शिक्षण कौशल है उसमें एक तो लिख के पता चलेगा कि ये किस स्किल कंपोनेंट को कवर कर रहा है और दूसरा उसके एक्शन को मेंशन करना पड़ेगा और उस एक्शन से हमको पता चलेगा कि ये किस स्किल कंपोनेंट, इस स्किल के किस स्किल कंपोनेंट को ये इंडिकेट कर रहा है। सो लेट अस सी फर्स्टली आउटलाइन, तो वी हैव ओनली 2-3 लेक्चर, 2-3 स्लाइड्स। दिस इज रिलेटेड टू डिलीवरी and you can see what is the meaning of delivery, speak, voice and pause, and these are various skill components and what is the basic of asking a question that we will discuss, and then the second part, that is the, you can also say the second teaching skill, that is distribution, प्रश्न को कैसे बांटे। So we have to discuss only how to deliver the question and how to distribute the question. These three bullets you can see, speed, voice and pause are the skill component of delivering a question. जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसमें स्पीड, स्पीड का मतलब क्या हुआ, टाइम गैप बिटवीन वर्ड्स और सेंटेंसेस। आप लोगों ने वो कैसेट वगैरह सुनते होंगे, देखा होगा, और यदि उसके स्पीड को बहुत घटा दिया, मतलब ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाए कि उसके जो शब्द है, चाहे वो किसी का लेक्चर हो या किसी फिल्म का गाना हो, यदि दो शब्दों के बीच की दूरी को बहुत बढ़ा दें
या बहुत घटा दें तो क्या होगा? क्लियर नहीं होगा आवाज, बहुत तेजी से कर देंगे तो होगा। सेम इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू क्लासरूम प्राइमेट। जब हम लोग किसी चीज को बोलते हैं, चाहे वो लेक्चर देते हो, और यहां तो खास के प्रश्न से तो जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के क्रम में जो विभिन्न शब्द हैं उनके बीच की दूरी, और फिर यह कि किस ऊंचाई से पिच क्या हो, आवाज कितनी, वॉइस ऑडिबिलिटी एंड मॉड्यूलेशन और पॉज, टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन एंड आंसर, जिसको हम कह सकते हैं रिएक्शन टाइम। किस कंट्री का राष्ट्रपति यहां आया था, रिएक्शन टाइम नहीं दिया, बच्चा हलक में ही रह गया, प्रश्न ठीक से सुना नहीं। तो जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के बाद जवाब देने के बीच का जो गैप है वो पॉज को इंडिकेट करता है, इतना देर का मौन। एसपी भारत कब स्वतंत्र हुआ था, भारत कब स्वतंत्र हुआ, हा बच्चा आधा भूल जाए। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है, और फिर स्पीड, किस स्पीड से प्रश्न पूछे। आइए हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल स्पीड क्या है, यूज टू करना। यदि आप बहुत फास्ट बोलते हैं तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना, यदि आप बहुत स्लो बोलते हैं तो भी आपको मैनेज करना है, क्योंकि कल जो हमने कहा था कि डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होती है। जब भी आपका बिहेवियर नॉर्मल से थोड़ा भी हिलता डुलता है तो उससे आपका लर्नर बहुत प्रभावित हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए ये प्रश्न पूछने के क्रम में दो शब्दों के बीच की दूरी और लिया गया समय महत्वपूर्ण है। वॉइस पहुंची वहां तक आवाज नहीं, पहुंचनी चाहिए। और चार बच्चे हैं क्लास में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, अरे आप युद्ध थोड़े कर आप प्रश्न पूछो। तब तीन बच्चे के लिए तो ये देखना पड़ेगा कि इट मस्ट बी सिंपल एंड इफेक्टिव वॉइस, मतलब बहुत तेज भी नहीं, बहुत स्लो, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रश्न पूछने के बीच में। वैसे यहां देखिए लिखा हुआ है, खैर इसको हम बाद में करें। प्रश्न जब भी हम पूछते हैं तो प्रश्न और उत्तर के बीच का एक गैप, और कभी भी हम किसी को इंगित करके प्रश्न नहीं पूछते। कई बार हम क्या करते हैं और तब प्रश्न पूछते हैं, नो दिस इज नॉट द राइट वे, यू मस्ट स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द क्लास एंड आस्क ए क्वेश्चन बिफोर द क्लास, नॉट बिफोर एन इंडिविजुअल। हाँ कभी कभी आप इंडिविजुअल से पूछिए, जो दूसरे टीचिंग स्किल में आएगा हम उसकी चर्चा करेंगे भी, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। लेकिन आमतौर पे जो प्रश्न पूछने का सामान्य सिद्धांत है कि प्रश्न पूरी कक्षा से पूछा जाना चाहिए, किसी व्यक्ति को इंगित करके नहीं। और यदि आप बार बार ऐसा करते हैं तो अपने स्टूडेंट पे एक आदत विकसित कर देते हैं कि जिसको पूछे हैं वही सुन रहा है, भाई हमसे तो पूछे नहीं, निश्चित। सो एवरीबडी हैज टू बी अकाउंटेबल इन ऑर्डर टू लिसन द क्वेश्चन, दिस एटमोस्फेयर हैज टू बी क्रिएटेड इन द क्लास। सब किससे पूछेंगे पता नहीं, ये इंगित नहीं, पर्पस यही है। और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण चीज है, विभिन्न टीचिंग स्किल के माध्यम से हम लोगों ने जाना भी है, इसलिए प्रश्न को पूरे इत्मीनान से
पूछना है क्योंकि प्रश्न हमारे पढ़ाने का एक अभिन्न अंग है। तो प्रश्न पूरी कक्षा से और तब किसी एक से जवाब। डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रश्न में एसपी गैप बिटवीन वॉइस टू सब्जेक्ट्स वॉइस, मतलब ज्यादा ऊपर भी नहीं ज्यादा नीचे भी नहीं, एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्लास ऑफ साइज ऑफ द क्लास एंड पॉइंट। भारत के राष्ट्रपति कौन है? इतना टाइम दिया, सबके दिमाग में प्रश्न चला गया। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? पता चला कि तो प्रश्न ही नहीं सुना है, वो लोग तो सुना ही नहीं। कितने नियम? न्यूटन के गति के कितने नियम? कहा ना एक्शन, स्पीड वॉयस पॉज समझ गए आप लोग, इसका ध्यान रखना है प्रश्न पूछने के क्रम में। द स्टाइल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फोर्थ कंपोनेंट ऑफ डिलीवरी विच नीड्स टू बी डेमोक्रेटिक फ्रेंडली एंड इजी। मतलब यहां आप एकदम नादिर शाह की तरह आके खड़े मत हो जाइए कि बच्चा डर जाए, हिटलर नहीं हो जाइए। डेमोक्रेटिक ये मत समझिए कि हम ही है तो सृष्टि संचालित हो रही है, बाकी सृष्टि में कुछ नहीं है। सो यू आर अ टीचर एंड द बिलोंगिंगनेस इज वेरी एसेंशियल बिटवीन द टीचर एंड बिलोंगिंगनेस। तो आपको बच्चे से सिंपैथेटिक रहना है, रिलीजन माहौल बनाना है, तो फिर उसका मतलब नहीं। सो बिसाइड्स दीज थ्री डायमेंशंस ऑफ डिलीवरी एज ए स्किल, स्पीक वॉइस एंड कॉल फोर्थ डायमेंशन स्टाइल, एंड स्टाइल में क्या, इट हैज टू बी डेमोक्रेटिक, इट हैज टू बी प्लीजेंट, ताकि बच्चा डरा नहीं रहे, सामा नहीं रहे, घबराया नहीं रहे। क्वेश्चन इज टू बी डिलीवर्ड बिफोर द क्लास नॉट बिफोर द क्लास, इट्स ए वेरी बेसिक। प्रश्न पूरी कक्षा से और तब बाद में आप डिस्ट्रीब्यूट जैसे भी करना हो करिए, लेकिन ये जो टीचिंग स्किल है प्रश्न पूछने से, मतलब प्रश्न पूछने के क्रम में आपको स्पीड वॉइस और पॉज स्टाइल के साथ साथ इस तथ्य का भी ध्यान रखना है कि आप कक्षा के मध्य में खड़े होकर प्रश्न को एक विनाम से पूछे और बच्चे को समझ, और कभी किसी बच्चे से किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ के प्रश्न न पूछे, प्रश्न को पूरी कक्षा के सामने रखे ताकि ये मैसेज जाए कि इस प्रश्न का आंसर किसको देना है पता नहीं, सबको देना है ये पता है। बात समझ में आ गई? Yes, so this is all about the delivery as a teaching skill. Now distribution, you have to distribute the question. जनरली हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, हम लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि जो जवाब देगा उसी से ना पूछेंगे, जो जवाब देना चाहेगा उसी से ना पूछेंगे। नहीं, टीचर का यह काम नहीं, टीचर को सर्वदर्शी कहते हैं ना, सर्वदर्शी होना होगा, सबके विकास की बात सोचनी होगी, सबके उत्थान की बात शुरू होगी सोचनी होगी, और इस क्रम में सब लोगों से प्रश्न पूछना है। और कई लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यह भी जाना है कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य सिर्फ जवाब प्राप्त करना नहीं, उस जवाब के उपयोग से, उस जवाब की मदद से हमको कमजोर छात्र को बता भी देना है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। और डिस्ट्रीब्यूशन में एक बेसिक चीज तो हम लोग ध्यान में रखते ही है कि कमजोर क्वेश्चन कमजोर विद्यार्थी के, मजबूत क्वेश्चन मजबूत विद्यार्थी के। मतलब यदि आप लोअर ऑर्डर का क्वेश्चन ब्रिलियंट स्टूडेंट से, क्लास के अच्छे स्टूडेंट से पूछते हो, और हायर ऑर्डर के क्वेश्चन को क्लास के उस विषय के कमजोर स्टूडेंट से पूछते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप हैवोक क्रिएट करना चाहते हैं। ये दिस मस्ट नॉट बी द पर्पस ऑफ द टीचर एंड टीचिंग एज वेल। तो आपके क्लास में दो तरह के विद्यार्थी होते हैं आमतौर पर,
एक वॉलंटियर देख रहे होंगे आप और दूसरा नॉन वॉलंटियर। वॉलंटियर वैसे स्टूडेंट को कहते हैं जो जवाब देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम प्रश्न का जवाब दें, और नॉन वॉलंटियर ऐसे होते हैं जो जवाब नहीं देना चाहते। उसमें दो तरह के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो जवाब जानते हुए भी जवाब नहीं देना चाहते हैं क्योंकि टीचर ने उनको डरा के रखा है या एक भय से वो ग्रसित है, जवाब देने के लिए खड़ा होता है तो उसके पैर कांपने लगते हैं, ये सब भी आप ही को मैनेज करना। तो वॉलंटियर तो जवाब देना चाहता है, नॉन वॉलंटियर जवाब नहीं देना चाहता है। जवाब नहीं देने वाले में दो कैटेगोरी हो सकती है, एक जो जवाब जानता भी है आधा अधूरा जानता है और दूसरा बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हमको क्वेश्चन सिर्फ वॉलंटियर स्टूडेंट से पूछना है। पहला आपका इसके कंपोनेंट हुआ डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस। स्पेस का मतलब हुआ कि दो छात्र जो बैठे हैं, दो विद्यार्थी जो बैठे हैं वो बिल्कुल सटे हुए नहीं है, कोई मशीन की तरह नहीं है, गर्दन भी अलग है, ये स्पेस, दिस इज स्पेस। सो डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस टू एवरी पार्ट स्पेस ऑफ द क्वेश्चन, मतलब आइडेंटिफाई नहीं करना है। अब टीचर मिडिल वाले से पूछ लेगा, बाएं वाले से पूछ लेगा, दाएं वाले से नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ मतलब तो पूरी कक्षा एक स्पेस की तरह है और उस सारे स्पेस में प्रश्न को भेजना है। डिस्ट्रीब्यूशन है वॉलंटियर्स एंड नॉन वॉलंटियर्स डायरेक्ट, मतलब एक तो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सब सारे सारी जगह पर, कोई कोना छूटा नहीं, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन एवं वॉलंटियर्स एंड नॉन वॉलंटियर डायरेक्ट, मतलब वह प्रश्न जो हम सीधे पूछने के बाद कहते हैं बताओ वो डायरेक्ट प्रश्न। और अभी हमने दूसरे टीचिंग स्किल में देखा रीडायरेक्शन, हमने उसमें चर्चा की थी ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन एवं वॉलंटियर्स एंड नॉन वॉलंटियर्स रीडायरेक्शन, मतलब हमको डायरेक्ट क्वेश्चन को भी वॉलंटियर जो जवाब देने वाले हैं उनके मध्य बांटना है, नॉन वॉलंटियर जो जवाब देना नहीं चाहते हैं उनके बीच भी बांटना है, और रीडायरेक्शन भी, यदि हम प्रश्न की दिशा बदलते हैं सेम प्रश्न को या उस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव करके जवाब प्राप्त करने के लिए हम उसको दूसरी दिशा देते हैं तो उसमें भी दोनों में पूछना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो होगा वो सब वॉलंटियर से पूछ लेंगे और रीडायरेक्शन का जो क्वेश्चन होगा वो सब नॉन वॉलंटियर से पूछ लेंगे, ऐसा नहीं करना। मतलब दोनों तरह के प्रश्न जो हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं या उस प्रश्न की पुनरावृत्ति दूसरे डायरेक्शन में कर रहे हैं, यह ध्यान रखना है कि चाहे वो क्वेश्चन डायरेक्ट हो चाहे वो क्वेश्चन रीडायरेक्ट हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में करना है, वॉलंटियर्स में भी और नॉन वॉलंटियर्स। और बेसिक एक बता दिया कि प्रश्न के बंटवारे में लेवल को भी देखना, रिलेक्टेंट बच्चे को भी देखना, जो जवाब देना चाहता है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो नहीं देना चाहता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर लेवल ऑफ क्वेश्चन और लेवल स्टूडेंट्स के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हम पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि एंगल को मध्य में रख के पढ़ा जाना चाहिए, अब कोई बच्चा मैथमेटिक्स नहीं जानता है तो प्रश्न के माध्यम से हम गिनवा के तो उससे पूछ सकते हैं कि देखो बताओ कितनी भुजाएं, कौन 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 है, जरा कौन को पढ़ के बताओ। तो ये प्रश्न रीडायरेक्शन के माध्यम से हो या डायरेक्ट कैसे स्टूडेंट को देंगे, जो मान बैठा है कि हम नहीं पढ़ सकते हैं और जो थोड़ा पिकुलियर या हायर ऑर्डर का क्वेश्चन या सिंथेसिस का क्वेश्चन या इवेल्युएशन का क्वेश्चन होगा वो कैसे स्टूडेंट को, इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉलंटियर एंड नॉन वॉलंटियर बेटर स्टूडेंट जो उसका जवाब दे सके, क्योंकि प्रश्न पूछने का मतलब बच्चे को तंग करना नहीं। बहुत लोग ये भी समझते हैं कि अच्छा तुमको हम बताते हैं, ये बताना बताना नहीं, दिस इज नॉट दी वर्क टू बी डन बाई ए टीचर, मैसेज क्लियर करना।
So when in order to distribute the features, as you have seen, there are three skill components. You have to distribute the space. You have to distribute direct questions among volunteers and non-volunteers, and you have to redirect the questions and have to distribute among volunteers as well as non-volunteers. So we have discussed about delivery as a classroom question, teaching skill, and distribution as a teaching skill. So this is all about delivery and distribution of classroom questions. Okay, thank you.